कि ये ऑल चैप्टर मैंने स्मार्ट uh, सिलेबस की फॉर्म में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके अपलोड कर दिए हुए ये सिर्फ ये कुछ uh, जितना टाइम मिल रहा है uh, बहुत बिजी स्केजुअल है उसमें प्लग इन कर रहा हूँ और जितना टाइम होगा वीकेंड पे का दो आपकी ये पार्ट्स uh, आते जाएंगे तो बार बार uh, बहुत सारे कमेंट्स सा आ रहे हैं कि ये थ्री पॉइंट सेवन कर दे एट कर दे तो बेटा जो तरतीब से चल रहा है वही होगा और जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगा आपसे रिक्वेस्ट है इसी पे ना रहें आप कोई भी एक्सरसाइज स्मार्ट सिलेबस की ओपन करें और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बार बार कहता हूँ उसमें इतने क्वेश्चन एग्जाम्पल्स की हुई है, हैं जो रूटीन में आपके आ, नहीं करवाई जाती उसकी हेल्प से आप बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो इन वो आपसे हो जाएंगे ताकि प्रैक्टिस भी हो आपकी ठीक है जी बाकी जितना टाइम है मैं इस पर लगा रहा हूँ बस दुआ करते रहा करें चलें जी स्टार्ट करते हैं Uh, इससे पहले फिर अगेन एक रिक्वेस्ट है जिन्होंने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पार रूल मैंने बड़ा थारोली नाइनटी क्वेश्चन हमने पार रूल से ही किए आप काइंडली वो वाला पार्ट पहले देख लें उसके बाद ये देखें अगर वो वाला पार्ट अब अभी नहीं किया फर्स्ट लेक्चर जो इसका है थ्री पॉइंट टू का चलते जी क्वेश्चन बी होलूड अच्छा डबल रूट ये आ रहा है डिनोमिनेटर में तो आपने ये पार्ट वन भी इसी टाइप का थर्ड भी और इंटीग्रेशन में कोशिश करो इसको पहले रेशनलाइज कर लो ठीक है ताकि ये रूट वाली जो है प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए डिनोमिनेटर में तो एक छोटा सा हिंट भी आप लिख सकते हैं तो हम इसको रेशनलाइज करने जा रहे हैं क्वेश्चन आपके पास उसी तरह लेट आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन है हमने आए इसको सपोज कर लिया है रैशनलाइजिंग मीन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय एक्स प्लस ए प्लस का साइन है सो so नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर लें देखो ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है ओके okay. अब बेटा न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर तो वन है तो कोई मसला नहीं डिनोमिनेटर में देखें तो क्या आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर याद है कौन सा फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी किसकेक्वल होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है तो ये फार्मूला बेटा मैंने लगा दिया है कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ कर दी है तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा सेकंड बी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो नेगेटिव एक्स नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ जाएगा ये नेगेटिव आ जाएगा देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन अब बेटा क्या होगा ये एक्स एक्स से कैंसिल हो रहा है ठीक है तो बाकी अब देखते हैं क्या बच रहा है ओके okay जी तो अब आप देखें जी आपके पास ये कांस्टेंट है ए माइनस भी डिनोमिनेटर में ए और बी है इसको बाहर निकाल ली है आप एक्चुअली आपने इंटीग्रेशन जो करनी है एक्स प्लस ए अंडर रूट और एक्स प्लस बी अंडर रूट की करनी है और कौन सा रूल लगेगा मैंने आपको ये बताया यार मैक्सिमम हम पार रूल से कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने की और पार रूल रूल याद है अगर कोई भी फंक्शन है उसकी पार एन एज टू नेगेटिव वन नहीं है और इसकी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ है तो हम क्या करते हैं जस्ट उसकी पार में एक ऐड करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं और इस डेरिवेटिव को इग्नोर कर देते हैं राइट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो यहाँ पे फर्स्ट जो फंक्शन है बेस जो एक्स प्लस ए है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ए क्या होता है चेक करते हैं जी एक्स प्लस ए यानी कि एक्स का डेरिवेटिव अलहदा ले, ले लेंगे और ए का डेरिवेटिव क्या करेंगे अलहदा ले, ले लेंगे एक्स का बेटा वन होता है और ए का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो होता है तो इट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या आ रहेगा वन तो देखें बेस का डेरिवेटिव साथ एडजिस्ट कर पावर रूल हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक्चुअली वन हर एक के साथ हम लिख सकते हैं तो ये देखो ये पॉइंट समझ आयाद है फर्स्ट पार्ट में भी हमने ये सारे ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन किए थे पारूल से ही अब x प्लस बी की बात करें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा तो राइट साइड पे पर ये रफ वर्क मैं कह रहा हूँ तो x प्लस ए का डेरिवेटिव तो वन है एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा मीन मैं ये दोबारा लिख रहा हूँ इसी पे ओवर कर रहा हूँ क्योंकि ये रफ वर्क है तो ए की जगह देखें एक्स का डेवेटिव तो वन है और बी का डेवेटिव क्या होगा अकेला कॉन्स्टेंट है, है तो ये जीरो आ जाएगा एक्चुअली इसका डेवेटिव भी वन ही आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि आप यू कैन राइट इट एज एक्स प्लस बी होल्ड्रेडवूड इंटू वन हम लिख सकते हैं तो जैसे ही बेस का डेरिवेटिव है तो कर्से पे देखें हम पार रूल लगा सकते हैं और पार रूल क्या है कि जस्ट इसकी पार में एक ऐड करो उसी से डिवाइड कर लो और डेरिवेटिव को इग्नोर एग, कर दें तो वन बाई टू प्लस वन वन बाई टू प्लस वन और राइट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने सी वन लिखा है चूंकि बाहर एक और कांस्टेंट है इसलिए मैंने अभी सी वन लिखा है डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं बेहतर है इस प्रेजेंटेशन को आप इस तरीके से करें तो ज्यादा बेहतर है ये देखो पार रूल तक समझ आ गई अब वन बाई टू प्लस वन एल्सियम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ये वन प्लस टू ओवर टू वन प्लस टू ओवर टू ओके है जी कलर लैंग्वेज यूज की आपके लिए हेल्पफुल होगी अब ये देखो वन ओवर ए माइनस बी ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा सी वन के साथ तो क्या आ जाएगा सी वन ओवर ए माइनस बी सी वन भी कांस्टेंट है ए बी भी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करें तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा इस सारे को ग्रीन कलर को मैं सी लिख रहा हूं ताकि फाइनल आंसर आ जाए यहां पर और सिंप्लीफाई कर लेंगी वन प्लस टू ओवर टू ये हर एक मैरून वाला तो थ्री बाई टू बनता जाएगा चेक करो और ये को ग्रीन वाले को मैंने सी लिख दिया है अब समझ आइए फाइनल हम सी ही लिख रहे हैं लेकिन चूंकि ये बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए मैंने इसको लहदा से कर सॉल्व किया है ताकि कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं जी ठीक है जी इसका भी कॉन्सटेंट आ रहा है इसका भी आ रहा है लेकिन जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉन्स्टेंट भी तो चेंज होगा तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए मैंने प्रॉपर स्टेप कर दिया होपफुली अब ये वाला पॉइंट जिन बच्चों ने पूछा हुआ है उनके लिए आसानी हो जाएगी कलर लैंग्वेज के साथ मैंने प्रेजेंट किया है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर थ्री बाई टू रेसिपोकल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा टू बाय थ्री और ये भी टू बाय थ्री टू बाय थ्री कॉमन निकाल लें और मोस्ट सिंपलीफाइंग वी हैव टू बाई थ्री इंटू ए माइनस वी एक्स प्लस ए होल पार थ्री ओवर टू एंड एक्स प्लस बी होल पार थ्री ओवर टू प्लस सी ये है जी इसका आंसर देखिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी इसको आप एक दफ़ा रिटर्न फॉर्म में करें पूरे पार्ट्स को ताकि आगे साथ साथ हम लेक्चर भी सुनते जाएँ देखते जाएँ और प्रैक्टिस भी होती जाए और नीट भी होते जाएँ मैंने आपको कहा है सिर्फ एक दफ़ा मेरे साथ आपने इसको नीट करना है इसके बाद इन आपके लिए ये आसान तर एक्सरसाइज होती जाएगी देखें जी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन चले आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें क्या है यू हैव टू अवेल्यूएट वन माइनस एक्सक्वायर वन प्लस एक्स स्क्र इंटीग्रेशन एक चीज जेन में रखें नोट बना के लिख भी सकते हैं कि इम प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती है याद है फर्स्ट ईयर चैप्टर फाइव में हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर यानी कि इम प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती यू हैव टू कन्वर्ट दिस इम्प्रॉपर इंटू प्रॉपर फॉर्म हमें इसको इम प्रॉपर को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्म की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है आपने जैसे इसको कन्वर्ट करना होता कन्वर्ट करने के दो वे थे या तो जो डिनोमिनेटर वही ऊपर बना लो या डिवाइड कर लो डिवाइड के लिए मैं क्या कहता हूँ ऑब इस बात लेट आई इज इकॉर्ड टू लिख लिया थोड़ी सी तरतीब लगा लेते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड हो रहा है और नगेटिव एक्सक्वायर प्लस वन अंदर लिख लिया है किस पे जाएगा रूटीन की बेटा डिवीजन हो रही है माइनस वन पे जाएगा सो नेगेटिव एक्स स्क्वायर ठीक है और प्लस नेगेटिव uh, वन आ रहा है सब करेंगे साइन चेंज हो जाते हैं एक्स स्क्वायर एक्सक्वायर से कैंसिल हो जाएगा टू आ रहा है देखो रूटीन की डिवीजन हो रही है और इसको लिखते हम कैसे होते थे याद है फिफ्थ चैप्टर में फर्स्ट ईयर में बताया क्लॉक वाइज Clock के नंबर आते हैं ना ये राइट right साइड से ये है क्लॉक वाइज कसर तो यानी कि माइनस वन को पहले लिखते हैं ये क्लॉकवाइज वाइज आते जाएंगे और फिर टू ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर देखो ये समझ आई क्लॉक वाइज वाला पॉइंट ये आपको फर्स्ट ईयर में फिफ्थ चैप्टर में मैंने थॉरोली बताया हुआ है खैर यहां तक देखें जी ये अब इम प्रॉपर फॉर्म से प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और जैसे ही प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए सेपरेट पहले अब का साइन लगाएं और अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा थोड़ी सी तरतीब चेंज की है ये नेगेटिव वन को उधर ले गया हूं और टू वाले को पहले ले गया हूं ये किस चीज का फॉर्मूला है वन ओवर वन प्लस एक्सक्वा डेविटिव से जरा याद करें आपको याद है हाँ बोलो डाइवेटिव ऑफ टेंज इन एक्स क्या होता था वन ओवर वन प्लस एक्सक्वायर याद है और आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया है कि जस्ट इसका रिवर्स करते जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ दूसरी तरफ कर लेंगे टेंज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है ओवर सो इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर वन प्लस एक्स इनवर्स किसकेक्स तो ये वही फार्मूला जो हम डेरिवेटिव में कर रहे थे बट रिवर्स में आ जाएगा और वन की इंटीग्रेशन क्या होती है यस yes, एक्स तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा टू एंड टू दस माइनस एक्स प्लस सी देखें जी कोई कन्फ्यूजन यही इसका फाइनल आंसर है तो ये की पार्ट था ये इम्प्रॉपर वाला था तो ये नोट बना के लिख लें ताकि नेक्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो ओके है जी चले आगे नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपके पास है जी फिर ये डबल अंडर रूट आ गया जिसने अभी फ़र्स्ट पार्ट किया था और अगेन जिसना अलहमदिल्ला मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आप मानते भी हैं बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारा वो कहते हैं ना इंकरेजमेंट आपके लिए भी मेरे लिए भी बाकी स्टूडेंट के लिए भी कि आप लोग खुद सॉल्व करते हैं तो ये वाला पार्ट आप लाइक फर्स्ट पार्ट की तरह आप खुद सॉल्व करें वीडियो को स्टॉप करें पहले इसको अटैम्प्ट करें फिर जब हो जाए तो फिर वीडियो प्ले करके मेरे साथ टैली कीजिएगा करिएगा जी इसको शाबाश ओके okay जी होपफुली आपने इसको कर लिया होगा अब मैं कह रहा हूँ क्या करेंगे सबसे पहले आई के इक्वल लिख लिया है स्टेप uh, थोड़े से गाइड करते जाएं क्या होगा सबसे पहले हमें इनको रेशनलाइज करना होगा याद आ रहा है मैंने आपको बताया था डबल अंडर रूट डिनोमिनेटर में आ गया है तो रेशनलाइज कर लो और रेशनलाइज के लिए किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा एक्स प्लस ए अंडर रूट नेगेटिव एक्स अंडर रूट ओवर दिस यही बात हुई थी तो बेटा इससे हम क्या करते हैं इसको अभी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो वन ना नीचे कौन सा फार्मूला बन रहा है बताइएगा यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो तो क्या लिखते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो फर्स्ट वन का स्क्वायर और सेकंड वन का स्क्वायर आ जाएगा देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन ओके है जी अब बेटा स्क्वायर अनरूट से कैंसिल हो रहा है स्क्वायर अनूट से कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ए नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव एक्स आ जाएगा एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा ए कांस्टेंट है वैसे ये बाहर निकाल लेंगे तो देखें यहाँ तक पहले कोई कन्फ्यूजन चलिए आगे चलते हैं फिर जी तो ये कांस्टेंट ए था वन ओवर ए बाई निकाल ली अब डबल अंडर रूट है इंटीग्रेशन करनी है कौन सा रूल लगेगा यस वही फेमस रूल जी पार रूल तो पार रूल को अप्लाई करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं पार रूल होता क्या था कोई भी फंक्शन है उसकी पार नेगेटिव वन नहीं होनी चाहिए और अगर उसका डेवेटिव साथ एग्जिस्ट कर रहा है देन इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट जस्ट एड वन टू इट्स फार डिवाइडेड बाय द सेम नंबर एंड राइट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैं फिर रिमाइंडर दे दूं ये शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो हैं पार रूल के मैंने अलहदा से वीडियोज़ बनाई हुई हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड में भी एक लिंक आ जाएगा ऊपर भी बाहर मैं दे दूँगा आपका एंडी उसको ज़रूर देखिएगा ताकि पार रूल पे आपकी ग्रिप हो जाए अच्छा जी रूल ये कहता है बेस जो भी एक्स प्लस ए इसका डवेटिव चेक करना और एक्स प्लस ए का डवेटिव क्या होगा अभी हमने निकाला भी था एक्स का डाइवेटिव ले अलहदा ले लें और ए का अहद ले, ले, ले लेंगे तो एक्स का डवेटिव वन होता और ए का ज़ीरो राइट साइड पर समझाने के लिए तो एक्स का डेवेटिव वन है a का जीरो है तो ये वन आ रहा है सो so, आप इसको लिख सकते हैं x प्लस ए होल अंडर रूट इंटू वन लिख सकते हैं ना क्यों हम पार वो लगा रहे हैं तो उसके इन्ग्रीडियंट्स जो तो हैं वो पूरे कर रहे हैं इसी तरह x का डेवेटिव देखना और x का डेवेटिव ऐसे डायरेक्ट करना चाहेंगे मैं इधर तो दोबारा कर भी देता हूँ एक्स का डेवेटिव वन होता है सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज एक्स होल पार वन ओवर टू इन टू वन तो जैसे ये बेस का डिवाइटिव देव आ गया नाउ यू कैन यूज पार रूल पार रूल इसमें क्या है जस्ट एड वन टू इट्स पार डिवाइडेड बाय द सेम नंबर अगेन वन बाय टू प्लस वन एंड राइट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन चुके ये डबल नंबर था और बायर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने इसको सी नं वन लिख दी है अब वन बाई ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और वन बाई टू प्लस वन याद है अभी इससे पहले एक स्टेप पार्ट पहले हमने ये सारा काम किया था एलसीएम ले लेंगे वन प्लस टू ओवर टू वन बाई ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन ओवर ए सी बी वन भी कॉन्सटेंट है ए भी कॉन्स्टेंट है तो अल्टीमेटली ये कॉन्स्टेंट ही आ जाएगा उसको हम सी का नाम दे देते हैं

चलें आगे चल नेक्स्ट एक तेजी टू का फोर्थ पार्ट यू हैव टू अवेल्यूएट ए पार माइनस टू एक्स होल पार थ्री बाई टू किस मेथड से करेंगे यस yes, अभी तक अपने पार ओली पड़ा है अगेन मैं आपको कहूँगा वीडियो को स्टॉप करें खुद करने की कोशिश करें होपफुली आप इन इसको कर सकेंगे करिएगा बच्चे वीडियो स्टॉप और रिक्वेस्ट है इसको खुद अटैम्प्ट करें चलो शाबाश होपफुली जो कर रहे होंगे उन्होंने कर लिया होगा सबसे पहले हमने पार रूल के लिए क्या होता है कोई भी फंक्शन है उसकी बेस का डेरिवेटिव साथ हमें चाहिए होता है और अगर डेरिवेटिव दिस कर रहा है देन वी जस्ट ऐड वन टू इट्स पार डिवाइडेड बाय द सेम नंबर एंड राइट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो क्या इसकी बेस का डेरिवेटिव है लेट्स चेक आउट एट दिस ए माइनस टू इज द डेरिवेटिव ऑफ ए वी हैव डेरिवेटिव ऑफ ए इज

डिनोमिनेटर वाला बाहर चला गया तो अब अगर आप गौर करें तो इसकी बेस का डेरिवेटिव आ चुका है कलर लैंग्वेज यूज किया है तो रूल लग सकता है रूल ऐसे ही है जी अब इसमें सी वन नहीं लिखा क्योंकि दो नई वैल्यू थी ए की टर्म थी तो इसलिए एक ही कॉन्स्टेंट मैंने जनरली लिख दिया है क्योंकि होल पावर ये बाहर नेगेटिव ओवर टू खैर एल्सियम ले लेंजी थ्री बाई टू प्लस वन क्या आ जाएगा थ्री प्लस टू ओवर टू थ्री प्लस टू ओवर टू और मोस्ट सिंप्लीफाइंग फाइव ओवर टू ओवर फाइव ओवर टू प्लस सी देखिएगा जी यहां तक कोई कंफ्यूजन ओके चले आगे चलते हैं जी तो यहाँ तक हमारे पास आ चुका था मैक्सिमम सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर फाइव ओवर टू है रेसिप होकर ले, ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा फाइव ओवर टू आ जाएगा टू ओवर फाइव कलर लैंग्वेज ले यूज़ की है टू टू उसे कैंसिल हो जाएगा और फाइनली वी हैव नेगेटिव है फाइव बाई टू प्लस सी विच इज आर फाइनल आंसर और ऑनेस्टली फिर बताइएगा कितने लोगों का ये ठीक है होपफुली बहुत सारे दोस्तों का ये ठीक होगा और वेल well डन बचे जो जो साथ साथ रिक्वेस्ट जो मैं करता हूँ साथ साथ अटैम्प्ट करते जाते हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मैं बार बार कह रहा हूं जो साथ साथ कर रहे हैं और खुशी से वो कमेंट करते हैं जितने बार्ड उतना ही कमेंट करते हैं कि सर ये हो गया है और अलहमदिल्ला मेरी कोशिश होती है हर एक कमेंट का आंसर मैं जरूर देता हूँ देखिएगा जी यहां तक कोई मसला चले आगे चलते हैं जी नेक्स्ट देखते हैं जी नेक्स्ट आपके पास यू हैव टू वेल्यूएट वन प्लस ई पार एक्स क्यूब ओवर ई पार एक्स अगेन आप इसमें क्वेश्चन नंबर वन में भी लास्ट पार्ट हमने इस तरह का किया था हिंट मैं यह दे देता हूँ क्यूब का फार्मूला लगाएं ए प्लस बी का क्यूब याद है क्या होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी या थ्री ए बी को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर देखो अब हर एक को आप क्या करेंगे ई e पार एक्स डिवाइड करें अगेन आप क्या करें यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें एक को लहदा लैदा डिवाइड करने के बाद जिसने हमने लास्ट पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर वन का काइंडली इसको खुद अटेम्प्ट करें और जब हो जाए तो वीडियो प्ले करके मेरे साथ टैली कीजिएगा होपफुली ये भी क्वेश्चन आपके लिए मजेगा होगा चलें शाबाश कीजिएगा चलें होपफुली आपने ये कर लिया होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा वन ई पार एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स आ जाएगा टू एक्स आ जाएगा देन एक्स आ जाएगा मैंने अभी कहा गया है कि ई पार एक्स से हर एक डिवाइड हो रहा है तो ए, हर टर्म को हम डिवाइड कर लेते हैं ये प्लस एक्स है ऊपर जाके माइनस एक्स हो जाएगा तो फर्स्ट वन के साथ चलें पहले अलग अलग मैंने लिख लिया है हर एक के नीचे ई पार एक्स डिवाइड कर दिए देखो स्टेप समझ आ रहा है अब बेटा ये जो e पार एक्स प्लस है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव है अच्छा ये ऊपर जाके नेगेटिव होगा थ्री एक्स है तो माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स ई पार एक्स एक्स माइनस एक्स तो देखें जितने भी एक्स थे ये ऊपर ले गया हूं और इन सब के साइन मैंने चेंज कर दिए देखो कोई कंफ्यूजन और सिंपलीफाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ई पार माइनस एक्स थ्री माइनस वन टू आ जाएगा टू माइनस वन वन आ जाएगा एक्स में से एक्स निकालेंगे जीरो आ जाएगा देखें जी यहां तक कोई कन्फ्यूजन चले आगे चलते हैं ओके नेक्स्ट देखते हैं जी तो ई पार जीरो yes, आ जाएगा कलर लैंग्वेज मैंने यूज की और सेपरेट जरा इंटीगल लिख लें और याद है आपको ई पार एक्स का इंटीगल के पिछले लेक्चर में लास्ट पार्ट में मैंने बड़ा थारो ली है इसकी पहले थ्योरी करवाई थी फिर पार्ट करवाया था ई पार एक्स का डेवेटिव भी वही होता, होता है और इंटेगल भी वही होता है बट इंटेगल में क्या होता है डेवेटिव में हम पावर के डेवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में हम पावर के से हम डिवाइड करते हैं जिन्होंने मैं बार बार कह रहा हूँ फर्स्ट पार्ट फर्स्ट लेक्चर इस 3.2 का नहीं देखा वो जरूर देखें उसके लास्ट क्वेश्चन में लास्ट पार्ट से पहले मैंने सारी थ्योरी करवाई हुई है सो ये क्या आ जाएगा जी ई पार माइनस एक्स और पार के डिवाइटिव से डिवाइड कर देंगे इधर क्या आ रहा है ई पार टू एक्स और पार क्या है टू एक्स इससे डिवाइड कर देंगे इधर देंगे कि तो ई पार एक्स है चलें पार इसमें भी एक्स आ रही है एक्स से डिवाइड कर देंगे और वन की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी एंड राइट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जी यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बस अब सिंपल है जी एक्स का डेवेटिव आ जाएगा यानी का टू और एक्स का डेवेटिव वन आ जाएगा तो देखें ये माइनस वन ये टू एक्स का आ जाएगा टू इन टू वन एंड देन और मोर सिंप्लीफाइंग ये नेगेटिव ई पार नेगेटिव एक्स ई पार टू एक्स ओवर टू थ्री पार एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस सी विच इज आवर फाइनल आंसर और बताइएगा जी कितने लोगों का ये ठीक है और वेल well डन बेटा जो साथ साथ कर रहे हैं और माशाल्लाह शुरू में ऑब्वियस बात है पहली दफ़ा प्रॉब्लम होती है टफ वर्क होता है लेकिन ये टफ वर्क करेंगे तो ये क्वेश्चन आएंगे ना खाली कॉपी पेस्ट तो नहीं करना तो थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसीजर एक दफ़ा करेंगे नहीं होता कोई बात नहीं आप मेरे साथ इसीलिए वीडियो बाद में प्ले करके मैं कहता हूँ मेरे साथ टैली करो और जब दोबारा रिवाइज़ करोगे तब देखना इन तब भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर अगले मेरे पार्ट हो रहे हैं ठीक कोई मसला नहीं मेन मुझे प्रैक्टिस चाहिए और आपके क्वेश्चन की सोल्यूशन ठीक चाहिए ओके जी चले आगे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं जी नेक्स्ट आपके पास यू हैव टू आप इंटीगल ऑफ साइन ए प्लस बी इन एक्स डी एक्स ये आपके पास क्या होता है सबसे पहले उसी तरह आए लिख लिया साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होती है याद है वन टू फाइव पेज पे हम डेरिवेटिव से भी ये देखा था तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स फर्स्ट लेक्चर में भी आपको करके भी बताया था ये होती है नेगेटिव कॉज एक्स तो साइन का क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन नेगेटिव

और यही वन टू फाइव पेज पे जो पहला कॉलम है सारा यही है मैंने आपको कहा था ना वन टू फाइव पेज पे सेकंड कॉलम को सर याद कर लो फर्स्ट का मसला नहीं है फर्स्ट कॉलम में सारों में ऑलमोस्ट यही होता है कि जो भी एंगल का डावेटिव है उससे हम डिवाइड कर लेते हैं बस इतना सा काम है राइट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और ए प्लस बी बेटा कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ जाएगा डवेटिव वेरिएबल सिर्फ लगेगा डवेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा या ऑपरेटर आ जाएगा डी ओवर व डी एक्स एक्स के साथ और एक्स का डवेटिव क्या होता है

इसलिए मैंने कहा था सर सेकंड कॉलम को आपने फोकस करना है फर्स्ट तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कोई भी फॉर्मूला ओके okay जी चलें आगे नेक्स्ट देखते हैं जी और नेक्स्ट आपके बाद टू का सेवन पार्ट यू हैव टू अवेल्यूएट वन माइनस कॉस टू एक्स अच्छा अब ये कुछ पार्ट्स हैं साइंस स्क्वास स्क्र एक्स ये आ जाएंगे ये हाफ एंगल फार्मूले से होंगे ये तीन चार पार्ट्स हो गए मैं बताता जाऊंगा काइंडली इसको नोट भी कर लीजिएगा और पेपर में अगर इस टाइप के आते हैं तो फॉलो नहीं होगी हाफ एंगल फार्मूला याद है टू एक्स फर्स्ट ईयर में थीटा थीटा क्या होता था, था? तो यहाँ पे क्या आ रहा है cost, x, ये किसके इक्वल आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स तो इसकी जगह लिख लेंगे टू साइन स्क्वायर एक्स देखो समय आ रही है लिख सकते हैं याद है हाफ एंगल टेंथ चैप्टर वहां पे हमने ये किया था ओके okay. अंडर रूट तो सेपरेट हो जाएगा स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये अंडर रूट टू साइन एक्स आ जाएगा अंडर रूट जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स हमें चाहिए क्या होता है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अभी हमने किया भी था यस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है देखो कितना सिंपल है ये क्वेश्चन ओके है जी तो हाफ एंगल आइडेंटिटी याद रखिएगा उसमें होता है अगर वन माइनस कॉज हो तो इधर साइन होता है अगर इधर प्लस होता है तो ये टू है बस ये दो फॉर्मूले नोट बना के लिख लें वन माइनस कॉज टू एक्स एज साइन स्कोय एक्स और वन प्लस आ जाए कॉस एक्स तो होता है टू कॉस स्क्र एक्स तो मैक्सिमम पार्ट आपके इसमें हाफ एंगल से इस टाइप के हो जाएंगे चलते हैं जी आगे यू हैव टू वेलिट हाँ लॉग ऑफ एक्स इन टू वन ओवर एक्स

तो हम क्या कहते हैं उसकी पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड करते हैं डिवेटिव को इग्नोर कर देते हैं और राइट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब अगर आप गौर करें तो लॉग ऑफ एक्स बेस आ रही है होल पावर वन आ जाएगी क्योंकि इसकी पार कोई नहीं इट मीन वन तो है ही है लॉग ऑफ एक्स का डेवेटिव क्या होता है तो यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ लॉग ऑफ एक्स का डेवेटिव याद है यस होता क्या था वन ओवर एक्स तो एक देखें इसका डिवेटिव साथ दिया नहीं हुआ उसने और अगर डेवेटिव दिया हुआ है और पार नेगेटिव वन भी नहीं है ना आ, अब क्या करेंगे जस्ट आप उसकी पार में ऐड करो उसी से डिवाइड कर दो और डेवेटिव को हम क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं इस वन ओवर एक्स को इग्नोर करेंगे राइट कॉन्सेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाकी रह के, के है यही आंसर है सो लॉग ऑफ एक्स होल स्क्वायर ओवर टू प्लस सी वच इज़ आर फाइनल आंसर बताइएगा जी कितने लोगों का ये ठीक है और वेल well डन माशाल्लाह जो साथ साथ करते जा रहे हैं और नई भी हुआ कोई बात नहीं अटेम्प्ट तो कर रहे हो ना आप तो इन शाह जब सेकेंड अटेम करेंगे दूसरी दफा जब ये लेक्चर करोगे तो आपके लिए आसानी होती जाएगी चलते हैं जी आगे नेक्स्ट देखे नेक्स्ट आपके पास है यू हैव टू अवेल्यूएट साइंस स्क्वायर एक्स अभी मैंने आपको कहा था नोट बना के लिख लें दोबारा लिख लें अगर नहीं याद रहा है कि साइंस स्क्वास की इंटीग्रेशन आ जाए या कॉस स्क्वा की यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू हाफ एंगल फार्मूला इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट बना लो जरा नोट बना के नीट नोट्स में लिख लो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट साइंस स्क्र एक्स और कॉज एक्स, वी मस्ट कन्वर्ट दैम फर्स्ट इन टू हाफ एंगल फॉर्मूला एंड देन सॉल्व दिस मसला जी तो ये बना लें कि अपने अल्फाज में लिख लें कोई किसी ने चेक नहीं करना मेनली आपको ये okay होना चाहिए। अब अगर आपको याद हो किसके इक्वल होता था तो ये ऑलवेज कन्वर्ट साइंस फार्मूला नोट भी मैंने बना के लिख लिया और हाफ एंगल में साइंस स्क्र एक्स किसके पढ़ा भी टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा था क्या पढ़ा था अभी माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू टू साइंस स्क्स था टू तो इधर ले क्योंकि हमें सिर्फ साइंस स्क्स एक्स की वैल्यू चाहिए तो वही फार्मूला है कोई चेंजिंग नहीं मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ कि माइनस हो तो ये साइन होता है अगर वन प्लस होता तो ये स्क्वायर का फार्मूला हो जाना सिंपल सी बात है चलें जी इसकी जगह क्या आ जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्सो टू हाफ एंगल में हो गया आप सेपरेट इंटीग्रल ले लें वन बाई टू का लैदा मीन वन का लैदा कर लें और कॉज ऑफ टू एक्स का लैदा ले लें और कॉस टू एक्स का इंटीग्रल क्या होगा याद है कॉज का आ जाएगा प्लस साइन टू एक्स और फिर एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है शाहबाई बताओ जरा इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन में एक ही डिफरेंस बताया है कि एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो ऐसे ही है सर तो टू एक्स है टू बाहर आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव एक। वैसे ही वन आ जाएगा तो साइन टू एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी तो तो साइन टू एक्स ओवर टू और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लें ये रफली आपको मैंने करके भी बता दिया है कि बुक वाले डायरेक्टली ये चीज़ लिख देते हैं मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि वो कैसे कर रहा है इट मीन और वन की इंटीग्रेशन वैसे ही एक्स होती है तो कॉस टू एक्स की इंटीग्रेशन अभी क्या अभी निकाली है साइन टू एक्स ओवर टू प्लस सी वन है वन बाई टू बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हर एक के साथ तो ये आ जाएगा एक्स बाई टू साइन टू एक्स ओवर फोर एंड सी वन ओवर टू सी वन भी कॉन्सटेंट है टू भी कॉन्सटेंट है सो यू कैन राइट इट एज प्लस सी

और इधर जो है एंगल होता है इसका हाफ इधर होता है तो ये वही फार्मूला है सिर्फ ये कि नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गया है सो वन प्लस कॉज एक्स किसके इक्वल आ जाएगा टू कॉज स्क्वायर एक्स ओवर टू सो यू कैन राइट इट एज टू कॉज स्क्वायर एक्स ओवर टू ठीक है जी कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा मीन वन ओवर टू सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर टू और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट अवेलेबल है याद है बताएं जरा ऊँची बात में बोले जो घर बैठे हैं वो भी मैंने बार बार कहा है कि साथ दिया करो भैया टेंजेंट का डेरिवेटिव होता था सिकेंड याद है तो सिकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी टेंजेंट याद आ रही है तो बहुत सिंपल सा है वही डेरिवेटिव का हमने फार्मूला लेके रिवर्स कर दिया है अच्छा जी सिकेंड स्क्वायर का टेंजेंट आ जाएगा और एंगल के डेरिवेटिव से वहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में क्या करेंगे इसके डेरिवेटिव से हम डिवाइड कर देंगे ओके okay जी और x ओवर टू है टू तो बाहर चला जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन सो दिस विल बिकम वन ओवर टू टीनडियन x ओवर टू वन ओवर टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये टू टू से कैंसिल हो रहा है अब ऊपर जाके कैंसिल कर देंगे या डायरेक्टली इस टू को टू से कैंसिल कर देंगे तो फाइनली वी हैव टेंडियन x ओवर टू प्लस सी तो मुश्किल बात जी ओके okay है जी चलें यह ले जी आपका था टेंथ पार्ट आगे चलते हैं हम नेक्स्ट देखें नेक्स्ट है जी अलेवन पार्ट यू हैव टू अवेल्यूएट ए प्लस ए एक्स प्लस बी और बड़ा आपको डिफरेंट टफ सा क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा मैं एक हिंट दे रहा हूँ और आपने इसको खुद करना है हिंट कौन सा है आपने पार रूल लगानी है मैं और हिंट दे देता हूँ ये बेस है इसको ऊपर ले जाओगे पार नेगेटिव वन हो जाएगी लगाएं जरा पार रूल और इसमें सेकेंड वाला केस लगेगा वीडियो को स्टॉप करें एंड डू इट योर सेल्फ देखें विद इन सेकेंड ये हो जाएगा चलो शाबाश करो वीडियो को स्टॉप और खुद अटम्प्ट करो चले होपफुली आपने कर लिया होगा बार बार पार रूल का अब सेकंड केस है अगर कोई भी फंक्शन है उसकी पार नेगेटिव वन है एग्जैक्ट नेगेटिव वन है बेस का डवेटिव है तो हम क्या करते हैं लॉग ऑफ दैट फंक्शन लिख लेते हैं मीन लॉग ऑफ एफ एक्स आ जाएगा मॉडलर्स का साइन डालिएगा और इस डवेटिव को जिस तरह हम वहाँ पर इग्नोर करते थे यहाँ पर भी इग्नोर कर देंगे तो अगर आप गौर करें तो बेस इसमें क्या आ रही है ए एक स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी यू हैव टू फाइंड द डावेटिव ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी तो कहते हैं जी ए कांस्टेंट है डेवेटिव ऑफ एक्स स्क्र आ जाएगा टू बी कॉन्स्टेंट बायर आ जाएगा और सी कांस्टेंट है एक्स स्क्र का डेवेटिव टू एक्स एक्स का डेवेटिव वन अकेला कांस्टेंट जीरो तो अगर आप गौर करें तो आपके पास क्या आ रहा है टू इंटू ए एक्स प्लस बी बट यहाँ पर क्या हमारे पास ए एक्स प्लस वी या टू नहीं है तो क्या करेंगे कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप क्या करें इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें और टू से क्या कर दें डिवाइड कर दें इन ऑर्डर टू मेक द गिवन फंक्शन ये एक टू एक्स्ट्रा आ गए क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ये जो एक्स्ट्रा भाई साहब है इनको बाई निकाल लें तो अब अगर आप फोकस करें तो बेस का डेरिवेटिव आपके पास आ चुका है और वैसे भी इसको इग्नोर करना होता है और पार चुके नेगेटिव वन है आपने सिर्फ लॉग ऑफ दैट फंक्शन लिखना होता है ये ज़्यादा ईजी है तो फंक्शन आपके पास क्या है जी एक्स स्क्र प्लस टू बी एक्स प्लस सी तो लॉग ऑफ मॉडल्स ऑफ दिस प्लस सी वन सी वन इसलिए लिखा है सी ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर था सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन है और वन बाई टू वैसे बाहर आ जाएगा ये ये है इसका आंसर बताइएगा जी कितने लोगों का ये ठीक है अटम्प्ट किया जिन्होंने ओके okay जी वेल well डन जिनका सही है पार का जिसने ख्याल रखा उनकी मैं बात कर रहा हूँ होपफुली आपका ये ठीक होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं ट्वेल्व पार्ट है यू हैव टू वैल्यूएट एट कॉस थ्री एक्स साइन टू एक्स याद है टेन पॉइंट फोर फार्मूलाज हमने कुछ पढ़े थे आपको एक फॉर्म अच्छा सबसे पहले आएगा लिए क्या होता था फार्मूला टू कॉज अल्फा साइन बीटा क्या होता था साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे टू नहीं है अब क्या करते हैं टू बना लेते हैं बनाने का क्या मकसद है टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो मैथ का रूल है जैसे इसे मल्टीप्लाई करो उसे डिवाइड भी करना है एक टू बाहर चला गया अब ये टू इस फार्मूले के साथ आ गया अल्फा की जगह अगर आप देखें थ्री है बीटा की जगह टू एक्स है चूंकि इस टाइप के किए हैं इसलिए ज्यादा इसको थॉरली मैं नहीं लेके जा रहा हूं सो दिस विल बी कम साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा इसमें टू एक्स है एंड थ्री एक्स माइनस टू एक्स दिस विल बी कम साइन फाइव एक्सो इंटू साइन एक्स इंटीग्रल कर लें साइन एक्स फाइव एक्स का लहदा कर लें और एक्स का लहदा साइन की इंटीग्रल क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स यस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स और एंगल के डवेटिव से क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन हो रही है इसलिए मैं सेपरेट ये करके आपको दिखाता होता हूँ फाइव एक्स का डवेटिव लेंगे तो फाइव इन टू डेवेटिव ऑफ एक्स आ जाएगा वन सो फाइनली वी हैव वो है फाइव एक्स इसके इक्वल आ जाएगा नेगेटिव कॉस फाइव एक्स ओवर फाइव प्लस सी ठीक है जी और साइन की तो ये डायरेक्टली इंटीग्रल क्या आ जाएगा माइनस कॉज एक्स आ जाएगा सो so इसकी जगह आ जाएगा नेगेटिव कॉज फाइव एक्स ओवर फाइव इसकी जगह नेगेटिव कॉज है एक सी वन मैंने लिख रही है कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन क्योंकि वन बाई टू ने अभी मल्टीप्लाई करना है तो वन बाई टू सी वन आपके पास आ रहा है मीन सी वन ओवर टू हर एक अलग अलहद मल्टीप्लाई कर दें सी वन ओवर टी टू को दोनों कॉन्स्टेंट है तो मैंने सी लिख दिया विच इज़ आर फाइनल आंसर तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप दी हुई थी होपफुली आपके लिए ये ईजी होगी ओके जी चलें आगे नेक्स्ट एक हैं थर्टीन पार यू हैव टू अवेल्यूएट कॉस टू एक्स वन प्लस कॉस टू एक्स हाफ एंगल से कोशिश करें अगर ये हो जाए तो ठीक है इस तरह की एक एग्ज़ाम्पल भी है और एग्जाम्पल मैंने थ्री पॉइंट टू स्मार्ट सिलेबस में काफ़ी की हुई हैं तो वो एग्जाम्पल भी ज़रूर देखिएगा सबसे पहले ज़रा कॉज हमारे पास सेकेंड पे आता है अगर आपको याद हो तो नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं मीन ये प्लस का कॉज नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव वन पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव मैंने न्यूमिनेटर में से कॉमन निकाल लिया और हाफ एंगल फार्मूला नीचे लगा लिया वन प्लस कॉज टू एक्स सिक्स क्यूल होता है

लैदा कहल ने नेगेटिव इंटू नेगेटिव वन की लैदा अब बताएं सीकेंड स्क्वायेर एक्स की डाइवेटिव क्या इंटीग्रेशन क्या होगा डावेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स होता है सीकेंड स्क्वायेयर तो सीकेंड एक, एक स्क्वायर एक्स इंटीग्रल क्या हो जाएगा देस माइनस टेंजेंट एक्स आ जाएगा वन की इंटीग्रल एक्स आ जाएगा प्लस सी बुक वाले ने यह प्लस टू एक्स लिखा हुआ है मेरे ख्याल में एक्स आता है कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये वाला ठीक है और अगर टू एक्स भी आता है तो वो भी मुझे ज़रूर बताया करें जो भी करक्शन हो वो जरूर करवा दिया करें मेरा जी मेल एड्रेस है जी मोहम्मद आतिफ अदौस के नाम से एट द रेट ऑफ जी मेल वहां पर आप मुझे जरूर बता दिया करें तो ये था जी आपका थर्टीन पार्ट देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन चलते हैं दी आपके फोर्टीन और लास्ट पार्ट की तरफ और करना गया है, ये करना आपने खुद अभी मैं आपको करो आके हटा वीडियो को स्टॉप करें डू टू योर सेल्स सोचो शाबाज़ कहाँ पे किया अभी हमने ये। होपफुली आपने कर लिया होगा टेंजेंट स्क्वेयर एक्स मैंने जिसने बताया साइंस स्क्स स्क् को हाफ एंगल में कहते हैं तो टेंजेंट स्क्वेयर को भी फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है और कौन सा फॉर्मूला वन प्लस टेन स्क्वेयर एक्स एज इक्वल टू स्क्वेयर एक्स यू कैन राइट इट एज ट स्क्स एज टू एक्स माइनस वन सो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन सीकेंड की इंटीगल कर लें वन की लादा सीकेंड स्क्वेयर की इंटीगल क्या होती है टेंजेंट और वन की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स एंड राइट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट्स इट होपफुली जिन्होंने खुद किया होगा उनके लिए अभी ईजी होगा तो ये था जी आपका 3.2 का सेकंड पार्ट नेक्स्ट मैं प्रोमिस नहीं कर रहा हूँ जिंदगी रही तो 3.3 के कोई मैं एक आध पार्ट जरूर आपको करके दूंगा लेक्चर का हो सकता दोनों हो जाएं मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बेटा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसको मुझे देखना होता है अलहदुल्ला एजी एच ओ काम कर रहा हूँ तो सबके वो पेपर्स हैं उन सारी चीज़ों को देखना है छोटा सा बिज़नेस है उसको भी देख रहा हूँ फिर जो टाइम बचता है वो आपके सारा मैं देता हूँ डेली काम ज़रूर होता है बट इतनी स्पीड में नहीं कर सकता हूँ जैसे अक्सर मैसेज आता है कि रात को ये कर दें ये आज रात को कर दें इस मेरा टेस्ट है तो ये सारी चीज़ें मैंने कर दी हुई हैं ये सिर्फ प्लग इन कर रहा हूँ और कोई भी आपको पूरे पार्ट्स पूरे नहीं करवाता ये आपको भी पता है सो so, आपसे रिक्वेस्ट है इसको खुद अटेम्प्ट करते जो, हाँ जो प्रॉब्लम है वो जरूर आप पूछ सकते हैं चलें जी इनशा जिंदगी रही तो नेक्स्ट में थ्री पॉइंट थ्री का लेक्चर नेक्स्ट आएगा और एक और चीज़ पेरेंट स्कीम का काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं तो होपफफुल इसके बाद वाला लेक्चर जो मैं पेरेंट स्कीम का दे दूँ सेकेंड ईयर का कि जो एक्सपेक्टेड पेरेंट स्कीम है एक्सपेक्टेड ही होती है फाइनल कुछ नहीं होता क्योंकि बोर्ड की तरह से रिटर्न नहीं होती एक्सपेक्टेड का ये होता है जो पिछले छः सात सालों का आपको कंपैरिजन दूंगा उसके बिहाब पे आपको बताऊंगा कि ये एक्सपेक्टेड है तो वो इसके बाद वाला भी जो लेक्चर आएगा वो इनशाला पेरिंग स्कीम पर आएगा बहुत सारे उसकी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं और फिर इनशाला नेक्स्ट लेक्चर उससे अगला थ्री पॉइंट थ्री का आएगा चलें जी अभी तक के लिए इतना इन शाला जिंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है ओके अला हाफिज़